हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में लिस्ट क्या होती है उसको समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इस वीडियो में, और समझेंगे कि लिस्ट को किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो ये सब हम यहाँ कवर करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि मैं पाइथन की पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ, तो इसकी जो प्ले लिस्ट है उसमें सारी वीडियोज़ सीक्वेंस में हैं। मैं सारे बटन पर लगा दूंगा, आप उसमें जा करके सीक्वेंस में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट को विजिट कर लेना, और इससे पीछे के टॉपिक भी सारे मैंने उसी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। तो अगर मैं लिस्ट की बात करूं, देखो जो लिस्ट है हमारी पाइथन में लिस्ट, इसके इसी तरीके से तुम तीन भाई बंद और हैं जो पढ़ोगे, वो है हमारा सेट्स, अगला है डिक्शनरी, और एक और होता है टपल। मतलब ये चार हैं। अभी जो ये चार हैं ये असल में हैं क्या, मतलब ठीक है ये जो चार हैं हम ये पढ़ेंगे, पर इनको बोलते क्या हैं? इनको जो हम बोलते हैं, याद रखना, इनको हम बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, ये पाइथन के क्या हैं? ये पाइथन के हैं डेटा टाइप। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड तो मतलब स्टैंडर्ड मतलब ये पहले से पाइथन में बने हुए हैं, पर डेटा टाइप क्या हुआ? तो डेटा टाइप मतलब क्या हुआ, नॉर्मल भाषा में अगर बोलें, मतलब डेटा का टाइप मतलब तुम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। तो ये जो लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल हैं, असल में ये जो चार चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये जो चार हैं इनका यूज़ हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं। मतलब जैसे मेरा डेटा किस तरीके का है, मैं कैसा डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, उस पर डिपेंड होता है कि मैं किसका यूज़ करूँगा। बात समझ में आ रही? मतलब मैं लिस्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ डेटा को स्टोर करने के लिए, मैं सेट का भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकता हूँ, और टपल का भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन किस टाइप के डेटा के लिए किसका यूज़ करूँगा वो डेटा को देख करके पता चलता है। वो समझने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये चारों में हम किस तरीके का डेटा रख सकते हैं, तभी हमें बाद में पता चलेगा ना कि ऐसा डेटा है तो मैं किस में रखूँगा या किसके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो इतने डीप में हमें नहीं जाना, बस ये है कि चारों का हम यूज़ कर सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए जो सूटेबल होगा हम उसका यूज़ करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट को। तो लिस्ट भी एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप में से एक डेटा टाइप है, जिसका मेनली हम बहुत यूज़ करते हैं पाइथन में। ठीक है, अब लिस्ट में आने से पहले देखो, तो लिस्ट की बात करूं अगर मैं, तो जैसे नॉर्मल हम लिस्ट बनाते हैं घर में, जैसे घर में राशन का सामान लाना है तो मम्मी लिस्ट बनाती है किस तरीके की, कि जैसे आटा कितना लाना है, आटा कितना 5 किलो, ठीक है 5 किलो ऐसी बनती है ना। सोप कितने लाने हैं, सोप हो गए तुम्हारे 10 10 पीस, 10 सोप्स लाने, उस तरीके से। अगला हो गया जैसे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कितना लाना है, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल मान लो 5 लीटर लाना है। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट बनती है ना। हेयर ऑयल, हेयर ऑयल इसकी 1 बॉटल लानी है, तो 1 बॉटल, मतलब इस तरीके से तुम्हारे घर में लिस्ट बनती है जब हमें कोई सामान लाना होता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है ना। तो यार अब यहाँ पर जब इस तरीके से, जैसे मान लो ये लाना है इस तरीके से, अब तुमने यहाँ नोटिस करा होगा कि जैसे ये है, जैसे चलो मैं आटा है और यहाँ पर राइस भी ले लेता हूँ, राइस राइस ले लिया, ये भी तुम्हें 10, ये 10 kg लिख दिया। मान लो इस तरीके से लाना है कि 10 किलो चावल लाना है, 5 किलो आटा लाना है, सोप लाना है 10 पीस, और मतलब 10 सोप लाने, तो 10 हो गए, और मस्टर्ड ऑयल 5 लीटर, इस तरीके से हमें सामान लाना है, इसकी हमने लिस्ट बना रखी है। तो जैसे हमने यहाँ लिस्ट बनाई है, कुछ इस प्रकार की ही लिस्ट हम पाइथन में बनाते हैं। अब जो पाइथन में हम लिस्ट बनाएंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम यहीं से समझ सकते हैं। देखो, जब तुम्हारी मम्मी से लिस्ट बनाती है तो यहाँ नोटिस करो कि आटा 5 किलो है, राइस 10 किलो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हैं वो किलो वाली है, यहाँ पर ये लीटर वाला है, यहाँ पर ये नॉर्मल नंबर है कि 10 पीस लाने। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके का डेटा है, ये किलोग्राम है, तो यहाँ पर ये लीटर है, यहाँ पर ये पीस की बात हो रही है। तो यार ये डेटा जो मेरा है ये तो अलग अलग टाइप का है ना, केजी लीटर से अलग हुआ, 10 पीस है ये अपने आप में अलग चीज़ है। तो इसी तरीके से जो हम पाइथन में लिस्ट बनाते हैं
वो इट कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है, वो अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकती है, जैसे वो नंबर को स्टोर कर सकती है, एग्जांपल बताऊं अगर तुम्हें तो वो नंबर्स को स्टोर कर सकती है, वो स्ट्रिंग को स्टोर कर सकती है, लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो नंबर हो गए, स्ट्रिंग्स हो गया, उसके बाद हम नंबर स्ट्रिंग लिस्ट हम उसके अंदर करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, करेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, मतलब सिंगल अल्फाबेट डाल दिया, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो तुम इसके अंदर बहुत चीज़ें स्टोर कर सकते हो, तुम इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मतलब कुछ और नहीं, तुम मतलब डेसिमल वाले नंबर भी यूज़ कर सकते हो उसके अंदर, मतलब तुम एक तरीके से समझ लो कि लिस्ट के अंदर हम लगभग हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिस्ट में डेटा किसी भी टाइप का स्टोर कर सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। तो याद रहेगा जब भी भूल जाते हो कि लिस्ट किस टाइप की होती है, तो अपनी घर की लिस्ट को याद कर लेना कि जैसे उसमें डेटा किसी भी तरीके का हो जाता है, कुछ भी हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से पाइथन की लिस्ट में भी हम कुछ भी स्टोर कर लेंगे। अब चलो ये तो थी बात बिल्कुल बेसिक बेसिक, अब आते हैं कि अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो कैसे क्रिएट करूँगा। तो क्रिएटिंग अ लिस्ट इन पाइथन, ठीक है। अब लिस्ट अगर तुम्हें पाइथन में बनानी है तो देखो, पहले तो तुम्हें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल किस तरीके से बनता है वो तो मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा, और वो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। तो कुछ भी नाम रख लो, नाम रखने के कुछ रूल होते हैं, उनको देख लेना पिछली वीडियो को। तो मैंने जैसे रखा नाम एल, ठीक है, एल इक्वल टू, अब मैं बनाना चाह रहा हूँ एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट मतलब जिसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, एम्प्टी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे जो हमारा ये जैसे मैंने एल लिखा है ना, तो अगर मैं चाहता हूँ बनाना एम्प्टी लिस्ट, तो एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए जो मैंने ये एल लिखा हुआ है, इसके आगे मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे बना के छोड़ दूंगा। देखो याद रखना, स्क्वायर ब्रैकेट तुम्हारा लिस्ट को डिनोट करता है, ठीक है ना, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये लिस्ट को डिनोट करता है। तो खाली अगर स्क्वायर ब्रैकेट बना के छोड़ दिया तो ये होगी एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, ये होगी मेरी क्या एम्प्टी लिस्ट। तो अगर मैं तुम्हें इसे प्रिंट करवा के दिखाऊं तो देखो क्या प्रिंट होगा, देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ये खाली लिस्ट हो रखी, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें इसका टाइप दिखाऊं प्रिंट करके कि ये किस तरीके की है, तो प्रिंट टाइप ऑफ एल, उससे मैं पता चल जाएगा कि ये लिस्ट है कि क्या है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाऊं तो देखो लिखा आगे लिस्ट, मतलब ये लिस्ट है। तो एक ये लिस्ट बन गई है, लेकिन वो क्या है, एम्प्टी लिस्ट है, मतलब उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू नहीं दी, कुछ वैल्यू नहीं दी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर जैसे कुछ वैल्यू देता हूँ, मान लो मैंने 2 दे दिया, तो बताओ अब क्या प्रिंट होगा। तो अब जब इसे प्रिंट करूँगा मैं, तो देखो इसके अंदर 2 प्रिंट हो गया, मतलब लिस्ट के अंदर एक वैल्यू आ गई, वो क्या है, वो है 2, ठीक है। तो अगर अब जैसे 2 स्टोर किया, अगर मैं चाहता हूँ उसमें मल्टीपल वैल्यू डालना, जैसे 2, 6, 8, 3, 9, 2, ठीक है, comma 90, इस टाइप से, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें चला के देखो प्रोग्राम, तो यहाँ पर देखो मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई, और यहाँ पर टाइप उसका लिस्ट है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हम डुप्लीकेट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर भी 2 लिखा है, तो मतलब लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, यह याद रखना, ठीक है, क्योंकि सेट है जो हमारा, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर एक बात बताऊंगा तुम्हें कि उसमें हम डुप्लीकेट नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखो कि लिस्ट में तुम डुप्लीकेट रख सकते हो, समझ में आई बात? चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने ये देखा कि हम एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाएंगे, और हमने ये देखा कि हम लिस्ट में वैल्यू कैसे डालेंगे, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लिस्ट में मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया स्ट्रिंग, अगर बोलें तो कुछ भी लिख दिया, ABCD लिख दिया, और उसी तरीके से कुछ और भी मैं देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, जैसे कुछ भी दे दिया, किसी का नाम दे दिया, बीच में भी दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पर चाहता हूँ देना, यहाँ पर भी दे दिया, और इस तरीके से। तो अगर मैं इसे तुम्हें चला के दिखाऊँ तो देखो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 2683 हेलो, मेरा आउटपुट मैं तो ऊपर ही प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, मेरा आउटपुट आया ये,
तो क्या हुआ, मेरी लिस्ट प्रिंट हो गई, ठीक है, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता तुम इसमें कुछ भी वैल्यू दो, जबकि यहाँ पर मैंने इंटीजर भी दिया है, मैंने स्ट्रिंग भी दिया है, मैंने यहाँ पर मिक्स वैल्यू दी है। अच्छा, मैं अगर यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू दूँ, देखो कॉमा, मैंने लिखा 12.56 कॉमा 56 पॉइंट, ये तो क्या ये चलेगा, तो देखते हैं। चलो आगे दिखाता हूँ, तो देखो चल गया है और वही आउटपुट आ रहा है मेरा। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसमें प्लॉट टाइप की वैल्यू, मतलब यहाँ पर मैं पॉइंट वाले नंबर भी दे सकता हूँ। तो हमने देखा कि यहाँ पर हम पॉइंट वाले नंबर भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, नॉर्मल इंटीजर भी दे सकते हैं, इनका कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं और डुप्लीकेट भी दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, एक तरीका तो ये था जो हमने भी देख लिया है, ठीक है, लिस्ट बनाने का। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी और जो लिस्ट है उसके बारे में कुछ बेसिक अभी क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें तुम्हें मैं दूसरा तरीका बताऊँगा लिस्ट को बनाने का, कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है और किसी सीक्वेंस की मदद से हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कुछ और बेसिक हैं जो लिस्ट के, वो भी उसमें मैं कवर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।